मैं आपका पूरा नाम जान सकती हूँ मैम? हाँ जी, कमलेश कुमारी। आप कहाँ रहते हैं दिल्ली में? उत्तम नगर में। कितने साल का है आपका बच्चा मैम? 5 साल का। मैम क्या देख रहे थे आप अपने बच्चे के लिए बेसिकली? यही कि बच्चा जैसे अच्छे अगर स्कूल में डालेंगे, पहले तो मैंने ऑक्सफोर्ड भी देखा था। कहाँ पर? ये विकासपुरी में भी है स्कूल वो, और एक और भी देखा था सेंट पीटर। ये कहाँ पर? ये भी विकासपुरी में ही है। सेंट पीटर? सेंट पीटर, हाँ। सेंट पीटर? हाँ जी। हाँ जी। तो बट फिर मैंने यहीं पे डाल दिया। कौन से स्कूल? ये कमल पब्लिक में, क्योंकि ये भी विकासपुरी में ही है। तो बोला कि ये अच्छा है स्कूल, इसमें एजुकेशन अच्छी है बच्चों की लाइफ के लिए, और इसमें जैसे ये अच्छा मतलब सिखाते हैं डांस भी ये सारा। तो मैंने फिर सोचा चलो यहीं पे डाल देते हैं, चलो बच्चों की लाइफ बनेगी अच्छा, बच्चा शुरू से ही मतलब कि जैसे अच्छी नींव होगी तो बच्चा अच्छा ही पढ़ेगा फिर। मैम इन स्कूल्स के अलावा कोई और स्कूल्स भी चुने थे आपने? हाँ मैंने चुने थे, वही बता रही हूँ ना आपको, ये ऑक्सफोर्ड और वो। इनके अलावा कोई और स्कूल्स जो आपने बताए? ये भी तो मैंने यही दो देखे थे मैम। और कोई खास वजह कमल पब्लिक स्कूल को चुनने की? अब खास वजह तो यही है बस, चल मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अभी थोड़ा फिर वो भी होता है थोड़ा, इसमें डोनेशन का थोड़ा वो है, तो इसमें थोड़ा मेरे को सही लगा क्योंकि उसके फ्रेंड्स वगैरह यहीं पढ़ते थे बच्चे के, तो कहते मम्मी यहीं डाल दो, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं यहीं डाल देते हैं, फिर थोड़ा फ्रेंड सर्कल भी अच्छा बन गया उसका, और वो डांस वगैरह में भी भाग लेता है, इसी वजह से। मैम कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका कमल पब्लिक स्कूल के साथ? कुछ ऐसी दो बातें स्कूल के बारे में जो आपको बहुत अच्छी लगती हैं? अच्छी लगती हैं मतलब अच्छी हैं दो बातें, जैसे स्कूल भी अच्छा है, मैडम भी अच्छी हैं उसकी, बच्चों को अच्छा मतलब कि जैसे पढ़ाती हैं, और बच्चों का भी प्यार बना हुआ है मैडम से। कमल पब्लिक स्कूल के साथ कुछ ऐसा मैम जहाँ सुधार की जरूरत हो आपके हिसाब से, कुछ सुधरना चाहिए स्कूल में? नहीं स्कूल तो अच्छा बना हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है। और कई चीजों में मैम जहाँ आपको लगे सुधार होना चाहिए स्कूल को लेकर? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं, सही है, बहुत बड़ा काफी बड़ा स्कूल है। मैम कमल पब्लिक स्कूल को आप दूसरे पेरेंट्स को सिफारिश करना कितना पसंद करेंगे 1 से 5 के स्केल में? 1 का मतलब आप बिल्कुल भी सिफारिश नहीं करेंगे, 5 का मतलब आप पूरी तरीके से सिफारिश करेंगे? पूरी तरह से करेंगे सिफारिश तो। क्या मार्क्स देना चाहेंगे मैम? कितने नंबर देना चाहेंगे? पूरे नंबर देना चाहेंगे। थैंक यू सो मच मैम।